हाय गाइस बढ़िया सब गाइज आज के इस वीडियो में हम लोग सीखने वाला है टेनिस बॉल से ऑफ स्पिन कैसे करें तो बॉल थोड़ा पूरा है इसके लिए माफ़ करना पहले ही बता दे रहा हो तो बाद में आप लोग ये कमेंट मत करना कि बोल नया सा ले लेना चाहिए था तो मुझे भी पता है कि बोल लेना चाहिए तो बात क्या करें अभी बोल लेने के लिए जा नहीं पा रहा हो तो यहाँ पर खुले मैदान पर आया हो मतलब खेत के मैदान पर वीडियो बनाने के लिए तो ऐसा मत समझना कि घर से काफ़ी दूर जाके वीडियो बना रहा हो ये भी मत समझना सो आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं टेनिस बॉल से आप लोग कैसे ऑफ स्पिन कर सकते हो पूरा प्रोसेस आप लोगों को समझाऊंगा और बहुत सारे लोगों का ये कहना होता है कि टेनिस बॉल से स्पिन बॉलिंग नहीं चलता है मुझे भी ये पहले लगता था कि टेनिस बॉल से सिर्फ फास्ट बॉलिंग ही चलता है अगर हम लोग स्पिन बॉलिंग करने के लिए जाएंगे तो बैट्समैन इसको उड़ा देंगे बट ऐसा नहीं होता है जब मैंने फेंक के देखा कि स्पिन बॉलिंग भी अगर हम लोग गुड लेंथ पर बराबर फेंकते हैं तो टेनिस के बैट्समैन इसको मार नहीं पाते क्योंकि वो ज़्यादातर बैकफुट से ही खेलते हैं सो इसलिए स्पिन बॉलिंग भी अगर आप ठीक से कॉन्फिडेंस के साथ टेनिस बॉल में डाल पाओगे टेनिस की क्रिकेट में तो फायदेमंद रहोगे सो इसीलिए आज के जमीन में हम लोग इसको कंप्लीट सीखने वाला है कि आप लोग टेनिस की बॉल से कैसे ऑफ स्पिन करा सकते हो कैसे आप टर्न करा सकते हो बॉल को तो सब कुछ आप लोगों को डिटेल में समझाऊंगा ठीक है तो चलिए यहाँ पर आप वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हम लोग वीडियो को कंटिन्यू करते हैं गाइस टेनिस बॉल से ऑफ स्पिन करने के लिए सबसे पहले हमको समझना होगा ग्रिप तो नॉर्मल जैसा कि ग्रिप होता है वैसा ही ग्रिप है इस प्रकार से हमारा ग्रिप रहेगा तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे हो तो नॉर्मल ये ग्रिप है ठीक है इसी ग्रिप से आप लोग ऑफ स्पिन करोगे और ध्यान रहे बॉल को थोड़ा आप टाइट पकड़ो अगर थीला पकड़ोगे तो ये टर्न नहीं करेगी तो इस प्रकार से थोड़ा टाइट पकड़ के इस प्रकार से आपको घुमाना है ठीक है जब फेंकते हो तो ये गिर के एक राइट हैंडेड बैट्समैन की ऑफ साइड से लेफ्ट साइड की ओर टर्न करेगी और मतलब लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन के लिए वो बॉडी से बाहर की ओर टर्न करेगी ठीक है गाइज उसके बाद कहना होता है बहुत सारे लोगों का कि टेनिस की बॉल टर्न नहीं करता बट ऐसा नहीं है टेनिस की बॉल जब नया होता है तब टर्न नहीं करता बट जब ये पुराना हो जाता है ये काफ़ी मतलब खुरदुरा हो जाता है इसका सरफेस तब ये आसानी से टर्न आप करा सकते हो ठीक है बस थोड़ा ज़ोर से पकड़ना होता है अगर आप जोर से पकड़ के इसको रिलीज़ करोगे तो यकीन आपका बॉल गिरने के बाद टर्न करेगी सो so गाइज मैंने आप लोगों को ग्रिप कैसे पकड़नी है और रिलीज़ कैसे करनी है यह बता दिया है अब हम लोग बात करते हैं एक्शन के बारे में और रनअप के बारे में ठीक है और बहुत सारे लोगों को फॉलो थ्रू के बारे में भी पता नहीं होता है कि स्पिन बॉलिंग में फॉलो थ्रू कैसे लेना पड़ता है ठीक है तो कंप्लीट हम लोग इसके ऊपर बात करते हैं तो सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं एक्शन के बारे में तो नॉर्मल जिसका एक्शन जैसा है वैसा ही रहेगा जैसा कि हम लोग थोड़ा सा साइड ऑन होकर इस प्रकार से बॉल को फेंकते हैं तो मेरा एक्शन नॉर्मली इस प्रकार से होता है तो ऐसे मैं हथ को खोल के इस प्रकार से रिलीज करता हूँ ठीक है तो जब मैं अपना एक्शन को लोड करता हूँ तो इस प्रकार से साइड ऑन हो जाता हो बैट्समैन की तरफ मैं साइड करके कर रहता हूँ और जब रिलीज़ करने की बारी आती है तब तो मैं अपना फ्रंट ऑन हो जाता हूँ बिल्कुल फ्रंट होकर बॉल को इस प्रकार से रिलीज करके निकल जाता हूँ ठीक है तो नॉर्मल यही है आपका एक्शन आपका एक्शन जैसा भी है आप नेचुरल रहिए उसके साथ ही आप मतलब जो बेसिक्स मैंने बताया है उसको फॉलो कीजिए सो so गाइज़ अब हम लोग बात करते हैं रनअप के बारे में तो जैसा कि हम लोग फास्ट बॉलिंग में रनअप लेते हैं चल के शुरू करते हैं उसके बाद काफ़ी ज़ोर से व्यक्त है यहाँ पर वैसा नहीं है हाँ यहाँ पर भी आपको चल के ही शुरू करना है लेकिन आपको उतना लंबा रनअप आपका नहीं होना चाहिए तो नॉर्मली पाँच से छः कदम का ही रनअप लेते हैं या फिर चार कदम का ही लोग रनअप लेते हैं तो आप भी अपने हिसाब से डिसाइड कर लेना कि पाँच कदम का लेते हो या फिर छः कदम का और रोज़ रोज उतना ही रनअप लेना ठीक है तो अब, अब मैं आपको बताता हूँ कि आपको रनअप कैसे लेना चाहिए तो नॉर्मली जो राइट एंडेड बॉलर रहता है उसको अपना जो रनअप है उसको लेफ्ट पैर से शुरू करना पड़ता है ठीक है इससे मतलब अच्छा रिजल्ट मिलता है और जो लेफ्टी बॉलर है वो अगर राइट पैर से अपना रनअप को शुरू करेंगे तो उसका अच्छा रिदम मिलता है स्पिन बॉलिंग में भी आपका रिदम होता है अगर आपका रिदम अच्छा होता है रनअप में तो जाके आप अच्छे से बॉल को डिलीवर कर पाते हो सो so, इसलिए आपको रिदम के साथ अपना रनअ लेना इंपॉर्टेंट है सो so, गाइज हम लोग अपना रनअप इस प्रकार से शुरू करेंगे सबसे पहले चलना शुरू करेंगे और उसके बाद जाके आराम से अपना बॉल को इस प्रकार से डिलीवर कर देंगे अब हम लोग बात करते हैं फॉलो थ्रू के बारे में तो जैसे आप बोल को इस प्रकार से फेंक के जाते हो तो उसके बाद आपको इस प्रकार से एक जंप लेना पड़ता है तो फास्ट बॉलिंग में क्या करते हैं हम लोग चलते रहते हैं थोड़े मतलब जाके रुकते हैं अगर स्पिन बॉलिंग में आप वैसा करने के लिए जाओगे बॉल को फेंकने के बाद इस तरह से चलते रहोगे तो आपकी बॉल क्या हुआ है आपको पता ही नहीं लगेगा सो इसलिए आप लोगों को क्या करना है बॉल को जैसे आप लोग डेली बढ़ कर तो एक स्टेप जाके एक जंप लेके आपको रुकना है कि आपकी बॉल क्या हुई और उसी वक्त आप अपने नेक्स्ट बॉल के लिए इस बना सकते हो कि इस बॉल में आपने क्या गलती करी या फिर क्या आपने इम्प्रूव करी और नेक्स्ट बॉल आपको कैसे डालनी चाहिए और बैट्समैन ने आपके बॉल के ऊपर कैसे रिएक्ट करा उन सारे बातों को आप यहाँ पर जंप लेके बॉल कैसे गया इसको देख के समझ के अच्छे से कर सकते हो ठीक है तो स्पिन बॉलिंग में आप लोग हमेशा ध्यान रखो बॉल को फेंकने के बाद एक स्टेप जाके एक जंप लो और बॉल क्या हुई आप अच्छे से देखो ठीक है सो so गाइज मैंने आप लोगों को बता दिया है कि स्पिन बॉलिंग कैसे करनी पड़ती है आपको ग्रिप कैसे लेनी चाहिए उसके बाद आपको डिलीवर कैसे करना है उसके बाद आपको फॉलो थ्रू कैसा होना चाहिए आई होप कि सारे बातें आप लोगों को ठीक से समझ में आ गया होगा अगर नहीं आया है अभी भी आपके मन में कोई डाउट या फिर सवाल है तो नीचे कमेंट करके आप लोग पूछ सकते हो तो मैं आपको रिप्लाई ज़रूर से कर दूंगा और आने वाले वीडियोज़ में आप लोग कौन से टॉपिक्स के ऊपर वीडियो देखना चाहते हो उसके बारे में भी बताना और इस वीडियो को आप लोग लाइक शेयर और कमेंट कर देना क्योंकि हम लोग आपके लिए काफी ज्यादा मेहनत करते हैं वीडियोस बनाने के लिए बाकी बहुत सारे लोगों का कहना था कि घर पर कैसे प्रैक्टिस करें इसके ऊपर वीडियो बनाओ मैं चाहता हूं तो बना सकता हूँ कि घर पर आप लोग कैसे प्रैक्टिस कर सकते हो बट मैंने पहले काफी सारे वीडियोज बनाए हैं कि आप लोग घर पर कैसे बॉलिंग प्रैक्टिस बैटिंग प्रैक्टिस कर सकते हो तो आप लोग लो हमारे चैनल पर जाकर वो सारे वीडियोज भी देख सकते हो या फिर मैं आप लोगों के लिए डिस्क्रिप्शन में उन सारे वीडियो का लिंक भी दे दूंगा कि आप लोग घर पर रह ही कैसे प्रैक्टिस कर सकते हो क्योंकि इन दिनों इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप लोग कहीं पर भी नहीं जा सकते ठीक है तो फिलहाल आज के वीडियो में इतना ही मिलता हो आपसे इसी प्रकार के एक और वीडियो के साथ तब तक के लिए आरसीएस कहता है आपको डिस्कवर योर गेम